हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं स्नो प्लगिंग सिमुलेटर, जिसमें कि अभी एक न्यू आइटम अनलॉक होने का नोटिफिकेशन आया था, पर कोई हुआ नहीं है। ये हमारे पास पहले से ही है सब। और आज हम अपने नए कपड़े भी खरीदने वाले हैं। अभी रात हो रही है तो हमें सोना पड़ेगा। घड़ी में बज रहे हैं कम से कम 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रही हैं, तो हमें रेस्ट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पे यश दबाने के बाद कुछ शावर हम नैप ले सकते हैं। सुबह भी हो चुकी है, वेदर स्टेशन हम चेक कर सकते हैं, वेदर कितना बाहर ख़राब है कितना सही है। अब हम देखते हैं प्राइवेट रूम में हमारे पास क्या क्या है। शायद हमारे पास बेड हो। यहाँ पे ये कुछ कोड्स वगैरह लिखे हैं, ये आगे जाके एक्सप्लोर कर सकें हम। ये येटी मैप क्या है पता नहीं। ये रेडियो है, यहाँ से हम अपने रेडियो गाने सुन सकते हैं। ये मैंने पहले दिखाया नहीं है, बट इस वीडियो में ये दिख जाएगा। और अभी हम आगे, ये कुछ कोड्स वगैरह लिखे हैं पता नहीं क्या है। F9H1P कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने कुछ देखा भी नहीं ज़्यादा। अभी हम ये येटी कुछ न्यूज़ वगैरह है, येटी की जो येटी देखा गया है सेंसिटिव एरियाज़। हमारे पास अभी एक ही ड्रेस है, तो आज हम एक नई ड्रेस भी ख़रीदने वाले हैं। पैसे हमारे पास हैं इतने, तो ड्रेस ख़रीदते हैं हम। ये सेकंड वाली कम है तो हम ये थर्ड वाली खरीदेंगे $500 की। $790 हमारे पास हैं पहले से, तो इसे ख़रीदते हैं। और ये हमारे पास वार्डरोब में आ चुकी है, शायद वहीं से जाके पहननी पड़ेगी। वार्डरोब में आ चुकी है। ये वार्डरोब में नेक्स्ट करके एक्विप कर लेंगे हम इसे। अब जाते हैं हम, जो लास्ट में हमने एक अपनी जो जॉब छोड़ी थी उस जॉब को कंप्लीट करना है। पहले हम गैराज का गेट ओपन करते हैं, यूजुअली वही काम करते हैं हम। गेट हमारा ओपन ही रहता है बाहर वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे ट्रैक्टर कम गाड़ी को पीछे ले जाना होगा। वैसे हम ले चलते हैं उस घर के पास जहाँ पे हमने लास्ट अपना काम छोड़ा था। वैसे तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर तो है ही है। अरे 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 अरे, ये हैवी ड्राइवर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। यहाँ से जे दबा के हमने कर लिया है। ये भी हमारा ये मैंसन ओपन होगा, बट अभी हम यहाँ से इसे खड़ी करके ट्रैक्टर को लेके जाते हैं, क्योंकि ये स्मिथ अंकल का ही ट्रैक्टर चल रहा है सब जॉब में। हम अपने कुछ नहीं कर रहे, टूल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। हमने काम किया तो ट्रैक्टर भी हमें काम देना चाहिए ना। यहाँ पे हम ही हैं। ये हमारी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, पहले से तो बहुत बढ़िया ही लग रही है। बट हम वहाँ ऊपर जाते हैं, इसे सही करते हैं और सब काम करते हैं इसका पूरा। हम रोड को भी साफ़ करते हुए चलते हैं, ये रोड भी ठीक ही हो जाएगा, फिर हमारे लिए आसानी होगी। यही घर था, बट यहाँ से जाना है हमें, राइट लेना है। जो हमें ये यहाँ पे अंदर जाने के बाद साफ़ करना है, जो हमारे राइट कॉर्नर में ऊपर टॉप पे जो आ रहा है वो जो शेडेड एरिया है, हमें उसे साफ़ करना है। अब हमने ज़्यादातर कर ही दिया और पीछे का भी करना था। इसे करते करते करके इसे पूरा करके जब मिलते हैं हमें। हमें इसे भी साफ़ करना है, ये जो जो है। अब रात हो चुकी है तो पहले सोना पड़ेगा तभी जाके। अब पहले तो पता नहीं थी कि हम सो भी सकते हैं, बट अब सोने का हो गया तो रात को स्किप करते हैं और जाके अपने क्लॉक पे क्लिक करके सोते हैं। हमारा गैराज का गेट खुला ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह का डर नहीं है हमें। यहाँ पे चोर आएगा भी नहीं। जाके एक नैप लेते हैं कुछ आवर्स की। ऐसे भी दिन हुआ नहीं है तो एक और बार नैप लेनी पड़ेगी। हाँ, अब हो चुका है दिन, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अब जाना पड़ेगा हमें काम पे। वैसे गाड़ी में भी मैप लगा हुआ है, गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा है और ये मिरर्स वगैरह भी काम करते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि ऐसी गाड़ी हो। अरे अरे अरे, ड्राइविंग थोड़ी ख़राब है। और वैसे भी रोड ये स्लिपरी है, क्या पता क्या हो जाए।
वैसे यहाँ पे स्टॉप वगैरह का लगा रहता है, पर कौन रुके, कोई गाड़ी वगैरह चलती नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें इसे लेके जाना पड़ेगा फिर से वहीं पे। यहाँ पे से ज़्यादा साफ़ वगैरह नहीं करना, अब इसके गेट्स के बाहर इसे साफ़ करना है। ये अब हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद हमें अपने खुद के टूल से ही ये करना पड़ेगा। 83.4% हो चुका है, हमें अराउंड 85% तक करना है, उसके बाद हम इसे हैंडओवर कर सकते हैं। बट हैंडओवर करने के लिए पहले 85 तक पहुंचना पड़ेगा। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ पर रह रही है, उसके बाद इसे जान के तब जाके इसे साफ़ करते हैं। ये हमने ऑल ओवर पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब ये जहाँ पे ब्लू ब्लू आएगा हम उसे कर सकते हैं। बट ये 50 किलो से ऊपर उठा ही नहीं पा रही ना, तो इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, साइड साइड की जगह हो रही है। बट इन्हें करना भी नहीं है, पर पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद हो जाए क्योंकि परसेंटेज थोड़ी बहुत बढ़ रही है इसकी, 50 किलो तक ही ले पा रहा है ये। अगर हम इसे और डाल देते हैं तो वो परसेंटेज भी कम हो जाता है हमारा, पता नहीं क्यों। अब शायद से ये जो मेटल रोड हैं इन्हें ही साफ़ करना होगा हमें शायद, क्योंकि इन्हीं से परसेंटेज बढ़ रही है। अगर इन पर कोई एक बार थोड़ी बहुत स्नो भी आ जाती है तो वो परसेंटेज डाउन हो जाती है। बट इसको डाउन ना करने से बढ़िया है हम 85 कर लें इसको। ऐसे जैसे मेटल रोड है ऐसे हो जाएगा, हमें बस जितना जितना ये थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा है वो करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद 85% हो जाएगा, हमें हैंड ओवर कर देनी है ये जॉब। ये जॉब हैंड ओवर करने के बाद हम जाएंगे दूसरे बंगलो पे। बट शायद ये एपिसोड लंबा हो जाए तो इसे मुझे बीच में काटना पड़े, क्या क्या जाने कोई। बट ये होने ही वाला है, अभी कंप्लीट होता है थोड़ी देर में। ये साइड से थोड़ा बहुत हो जाएगा, ये ट्रैक्टर का काम नहीं है इतना। अगर हमने बीच में डाल दिया तो ये परसेंटेज और डाउन हो जाती है, ये बहुत गुस्सा आती है मुझे इस पर। बट शायद से हमें करना तो पड़ेगा, ये थोड़ी बहुत जगह एचेस वगैरह पे रह जाते हैं ना, वो भी ये मान लेता है कि ये आपने कंप्लीट नहीं किया। बट 85%
हो जाए तो बढ़िया है। हमने गेट के सामने डाल दिया, गेट से हटाना पड़ेगा ऐसे। गेट से हटाने के बाद शायद ही 85% हो जाए, 84.9 हो चुका है अभी, 85 होने वाला है। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा वैसे ही हम कर सकते हैं ऐसे हैंड ओवर जॉब को। अभी 84.9 से आगे ही नहीं बढ़ रहा, शायद से ये हो, शायद हो जाए। हाँ शायद हो जाए, ये गेट के सामने ये गेट भी खुल सकता है, बस इस गेट का नाम विकेट कैसे है पता नहीं। ऐसे हम अभी दे नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में टूल लगा हुआ है। अब शायद 85+ करना पड़ेगा तब जाके हम इसे हैंड ओवर कर सकते हैं। ये हमारा 85.1% हो चुका है, अब शायद से ये ले ले, 85+ हो चुका है। अरे नहीं ले रहा है ये, अभी भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें, बट शायद ये इसी की वजह से नहीं ले रहा हो, तो इसे साइड करके तब देखते हैं। हाँ अब इसने ले चुका है ये, अब हमें ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी लेवल। तो अब आज का एपिसोड बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। अभी तो हम एक और सीरीज़ लाने वाले हैं बढ़िया वाली न्यू गेम्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।